हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैथ्स की वीडियो में आज हम आपको सम एडिशन या नंबर्स का सम योग के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 10 तक इसका सम क्या होगा? ओके, तो बहुत सिंपल है कि इनको हम ऐड करके 10 तक देख सकते हैं, तो ये 55 आएगा। 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 4 = 10, इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा यदि नंबर बहुत ज्यादा हो, 1000, 1 लाख या इस तरीके से बड़ी नंबर हो, तब आप क्या करोगे? तब काउंट करना या कैलकुलेट करना इजी नहीं है। ओके, तो आप देख रहे हो ये सारी नेचुरल नंबर है, 1, 2, 3, 4, ये नेचुरल नंबर है। तो एक फॉर्मूला है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? n n+1/2। आप इस फॉर्मूले को मेमोराइज कर ले, n n+1/2। n क्या है? यहाँ 10 है, n प्लस n की वैल्यू पुट कर दी हमने, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक कितना है? 10 है। तो 10 10+1/2 कैंसिल आउट किया, 55। आपने देखा, हमने सबको एड करके देखा तो 55। इस आंसर से भी, इस फॉर्मूला लगाने से भी आंसर क्या आ रहा है? 55। ओके, लेकिन चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जिसे 1 से लेकर 1000, 1 + 2 + 3 + 4 नेचुरल नंबर का हम सम निकालें, तब आंसर क्या आएगा? तो 1 से लेकर 1000 तक 10 1000 नंबर्स रहेंगी, फॉर्मूला वही लगा देंगे, n n+1/2। तो 1000 ब्रैकेट में 1000 + 1/2, तो ये कैंसिल आउट कर देंगे, 500 × 1001, तो आंसर कितना आया? 500 500। ओके, इसी फॉर्मूले से हमने बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। लेकिन क्या होगा यदि 1 से लेकर 1000 ये तो नेचुरल नंबर है, लेकिन यदि इवन अलग कर दी जाए, ऑड अलग कर दी जाए, या इवन नंबर्स का सम पूछा हो, ऑड नंबर्स का सम पूछा हो, तब हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं। इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो कि सम ऑफ सम हमें निकालना हो तो n/2 a + l। यहां पर n क्या है? कितनी नंबर्स हैं? a क्या है? फर्स्ट नंबर है। l क्या है? लास्ट नंबर है। a फर्स्ट नंबर, l लास्ट नंबर। जैसे इसी सम के लिए हम देख लें, 1 से 1000, तो टोटल नंबर्स कितनी है? 1000 n/2 1000 n/2। a क्या है? 1, l क्या है? 1000, तो 500 × 1001 मल्टीप्लाई करेंगे, वही आएगा 500 500। ओके, लेकिन कुछ लोग या कुछ स्टूडेंट इस तरीके से भी करते हैं कि ऑड का फॉर्मूला अलग लगाते हैं और इवन का फॉर्मूला अलग लगाते हैं, ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला तो सबके लिए है, सबके लिए काम आएगा, लेकिन मैं वो फॉर्मूले भी आपको डिस्कस कर देता हूं, बता देता हूं। ओके, तो यदि हम बात करें सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, प्रथम एन सम संख्याओं का योग, n n+1। ओके, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, तो इसको हम प्रथम एन विषम संख्याओं का योग = n2। ओके, ये सम संख्याओं के लिए फॉर्मूला है और ये सम संख्याओं के लिए फॉर्मूला है। ओके, चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 से लेकर 75 तक सारी जैसी नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, इनका हमें सम निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये नंबर्स 1 से लेकर 75 तक कितनी हैं। ओके, 1 से लेकर 75 तक कितनी नंबर्स हैं, क्योंकि इसमें इवन नंबर तो है नहीं, ठीक है? तो अब यदि ये 50 होती तो हम आधी आधी कर देते, आधी इवन आधी ऑड। लेकिन ये हम क्या करेंगे, 74 तक काउंट कर लेंगे। तो 1 से लेकर 74 तक आधी आधी, मतलब 37 इवन हुई, 37 ऑड हुई। ओके, तो 74 तक 37 ऑड हुई, लेकिन 75 भी हमें चाहिए, तो एक ये हो गई 1, ये हो 37 + 1, टोटल कितनी हो गई? 38। ये इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा।
अब हम वही फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर वाला फॉर्मूला लगा देंगे एन स्क्वायर। तो सम क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर मीन्स 38 का स्क्वायर 1444। ओके, लेकिन एक मैंने जो जनरल फॉर्मूला सिखाया था उसी से हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो n बाई टू ए प्लस एल, एन कितनी है 38 है, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 38 अपॉन 2, ए क्या है 1 और एल क्या है 75, तो 1 प्लस 75 मीन्स 76, और ये कितना कैंसिल आउट हुआ 19, तो 19 इंटू 76 कितना आंसर आया 1444। ओके, आपको समझ में आया होगा कि दोनों तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। जैसे एक क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस डॉट 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 प्लस 55, इन नंबर्स का सम कितना है। ओके, तो देखिए यदि ये 1 से 55 तक पूछी जाती तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर देते, बहुत आसानी से सॉल्व कर देते क्योंकि आप ऑलरेडी सीख चुके हो। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि 1 से लेकर 9 तक, क्योंकि ऑड है तो 1 से लेकर 9 तक, 10 तो इवन है हमें चाहिए नहीं, 1 से लेकर 9 तक हमें चाहिए नहीं। हम क्या करेंगे, पहले हम 1 से लेकर 55 तक काउंट करेंगे कि ये टोटल कितनी है। ओके, 1 से लेकर 55 तक, और उसमें से 1 से लेकर 9 तक हमें जो नहीं चाहिए वो हम माइनस कर देंगे, उनका सम माइनस कर देंगे। बात आपको समझ में आई, क्योंकि 1 से लेकर 55 तक हम सीख चुके हैं और 1 से लेकर 9 तक ऐसे भी हम निकालना सीख चुके हैं, तो इसका सम उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। तो इसका सम कितना होगा, टोटल फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं तो एन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो एन स्क्वायर कितना है, अब एन कितनी है टोटल, तो 54 तक देखेंगे, 54 तक कितने हो जाएंगे 27, 27 हो जाएंगे इवन और ऑड, और 27 एक ये है 55, तो 28, तो कितनी हो गई है टोटल 28। ओके, यहां 1 से लेकर 9 तक कितनी है 1 2 3 4 5, इसे हम काउंट भी कर सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं, तो ये 5 है, तो यहां भी एन स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर कितना हुआ 784 और 5 का स्क्वायर 25, माइनस करेंगे 759। ओके, एक जो जनरल फॉर्मूला हमने बताया था उससे भी हम देख लेते हैं, एन अपॉन टू ए प्लस एल, एन टोटल कितनी है 28 माइनस 5 23 है, 23 अपॉन 2। ओके, और ए कितना है 11, एल कितना है, ए कितना है 11 और एल कितना है 55, फर्स्ट नंबर 11 और लास्ट नंबर 55, 11 और 55 कितना हुआ 66, 23 अपॉन 2, 2 से 66 कैंसिल आउट करेंगे 33, 33 का मल्टीप्लाई करेंगे 23, 759। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, थैंक यू।